हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेंडर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना सिखाया था। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2, जिसमें सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बहुत ध्यान से समझने हैं और करने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज गिवन टू अस, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, ये हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी का उसका सरफेस का एरिया 88 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ये देखो जहाँ ये हैंड जा रहा है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये हाइट हमने निकालनी है, डायमीटर निकालना है, इसकी लेंथ, रेडियस ऑफ बेस आर। अब फॉर्मूला क्या होता है लेटर सरफेस एरिया का, 2πRH इज इक्वल टू 88 गिवन है, 2π इज 22/7, आर इज आर, एच इज 14 विच इज गिवन टू अस इज इक्वल टू 88। नेक्स्ट पार्ट आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैंने किया है, आर इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई, इधर जाकर ये 7/22 हो जाएगा, ये 1/14, ये 1/2, 7 × 14 244, 222, आर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस देखिए है मेरे हाथ का यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और हमने निकालना है डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 2R, दैट इज 2 × 1, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। पहले तो एक स्टेप याद करो, जब मैंने ये लेसन शुरू करवाया था क्यूक्वाइड का, सॉरी, तो कहा था आपने लेटर सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुछ भी निकालना है तो आपको ये देखना है सारे यूनिट सेम होने चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट, मीटर में तो सब मीटर में हो, सेंटीमीटर में तो सब सेंटीमीटर में हो, या हाइट तो मीटर में है लेकिन डायमीटर 140 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको चाहे इसको हम, लेकिन हमें उसमें स्क्वेयर मीटर में पूछा गया तो हम इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। अब क्या कहा गया, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज जो दोनों तरफ से बंद हो। पीछे जो मैंने एक आपको वीडियो भी दिखाई थी उसमें ऐसे दिखाया था, ऊपर देखना मेरे चैनल में पहली वीडियो देखना, तो क्या है इसी तरह से ये सिलेंडर ऐसे ओपन हो रहा है, ये उसका एक बेस है, ये दूसरा बेस है, ये ऐसे होता है ना रेक्टेंगल, उसको खोल दे तो क्या बनता है, ये बीच का जो रेक्टेंगल है ये ऊपर फेस है, ये ऊपर सर्कुलर फेस है, ये क्लोज, ठीक है। क्या कहा गया, डायमीटर 140 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक 140 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 70 सेंटीमीटर, इसका हाफ, और मीटर में चेंज कर देंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे दैट इज 0.7 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आएगा मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब तुम मेरे को सुनो नहीं रहे हो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड दैट इज 0.7 मीटर। अब इसमें क्या निकालना है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, हाउ मच स्क्वेयर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड, इसके लिए मेटल की कितने स्क्वेयर मीटर शीट है, कहीं नहीं लिखा हुआ लेटरल सरफेस निकालो, कहीं नहीं लिखा हुआ टोटल निकालो, लेकिन हम कैसे पता से करेंगे, उसने कहा कितने स्क्वेयर मीटर, स्क्वेयर मीटर में तो एरिया ही निकलता है, कहाँ का एरिया निकालेंगे, टैंक कैसा बनाना है हमने, क्लोज्ड, ऊपर भी यहाँ भी मेटल यूज़ होनी है, यहाँ भी होनी है, और यहाँ इसके सरफेस पर भी होनी है, तो कौन सा एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाइट हमें 1 मीटर के ना, तो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर, ये फॉर्मूला 2πRH+R, 2πRH+R, 2π इज 22/7, R इज 0.7, R इज 0.7, H 1, अब क्या हो जाएगा 2 × 22, ये 7/10, ये इससे करते 0.1, इसको करेंगे 1.7, अब 44 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.48 मीटर स्क्वेयर। ये कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से करोगे, बता रही हूँ मैं, बट कैलकुलेशन अपने अपने आप करनी है, यानी डायरेक्ट इसको टिप पर मार के ये देखो आपको कैलकुलेशन करनी है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग,
द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें तो मैं ये दिखाती हूँ, ये देखो ये पाइप है, यहाँ से ये लेंथ हो गई, ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ देखो, यहाँ से अगर मैं चलूँ यहाँ से यहाँ तक ये इनर रेडियस और इसके बाहर की इस कोने से बाहर के मतलब आउटर रेडियस और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन जी क्लियर। देखो ये कर्सर यहाँ से ये यहाँ तक गया पूरे कर्सर वाला, ये क्रॉस ठीक है। इनर सरफेस एरिया निकालना है तो इनर डायमीटर यानी कि इनर रेडियस ले लोगे और हाइट तो वही जाएगी, आउटर सरफेस लेना है तो आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है तो आउटर रेडियस हो जाएगी और हाइट चली जाएगी। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, आउटर प्लस इनर प्लस ये जो एजेस दिखाई दे रहे हैं आप ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है इनका निकालेंगे। अब ये इनका कैसे निकलेगा, इनका अब यहाँ से ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है हमें फेस, अब बीच वाला ये क्या है कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया निकालते हैं, जैसे बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल के अंदर वाले सर्कल का माइनस करेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी बनाया हुआ ऐसे ही, ये सिलेंडर है ये मेटल पाइप है ये यहाँ से यहाँ तक हाइट, हाइट तो बराबर है, ये देखो ये इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक आउटर रेडियस और ये जो बीच में ये दिखाई दे रहा है ये एजेस हो गए। तो लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ तो सेम है 77 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनर डायमीटर क्या है 4 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो पहला पोर्शन पूछा इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एस 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 2 इंटू 77, इसको कैंसिल करोगे सॉल्व करोगे ये 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, पहला हो गया आंसर। दूसरा आउटर सरफेस एरिया, लेंथ वही है आउटर डायमीटर क्या दिया हुआ है 4.4 तो रेडियस क्या हो जाएगी 2.2 तो आउटर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच 2 22 बाई 7 2.2 77 इसको कैलकुलेट करके 106.48 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन यू हैव टू डू योरसेल्फ ओके। अब कहा गया है टोटल सरफेस एरिया, अब वैसे आप कहोगे मैम ने यहाँ तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये बताया, यहाँ कैसे, यहाँ उस पाइप को कोई क्लोज नहीं कहा गया, पाइप कभी क्लोज होती नहीं है, पाइप तो कभी क्लोज होती नहीं है ना, तो पाइप का कैसे टोटल सर्फेस निकाल सकता है, अगर क्लोज होती है क्लोज टैंक बन जाता है वो, पाइप तो कभी क्लोज होती नहीं है। तो इसके लिए उसने इनर ये जो है मेटल कहाँ कहाँ यूज़ हुई पाइप के, आपने पानी वाली ट्यूब देखी होगी पाइप, वैसे लोहे की रॉड देखी होगी, अभी मैंने जैसे आपको दिखाई भी है दोबारा दिखाती हूँ, देखो इसमें यहाँ से ओपन ही रहेगी पाइप बंद तो है नहीं। अब इसमें मेटल का एरिया निकालना है, मेटल यहाँ लगी है अंदर लगी है और जहाँ ये जो कर्व है इसकी ये दिखाई दे रही है कॉर्नर ठीक है, तो हमने इसका निकालना है। अब देखिए नाउ देयर आर टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 एट बोथ द एंड्स ऑफ द पाइप एरिया ऑफ टू एजेस, ये एजेस ये दिखाई दे रहे हैं आपको ये वाले एजेस, ये जहाँ ये है एक ये एक बॉटम के हो गए और एक ये टॉप के हो गए, ये एजेस एरिया ऑफ एजेस ये कैसे निकालेंगे, ये बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का माइनस करेंगे कंसेंट्रिक सर्कल का, तो क्या है 2 है तो ऐसे एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि टॉप के भी हो गए बॉटम के भी, एरिया ऑफ टू एजेस ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 2 पाई कॉमन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर आउटर हो जाएगी स्मॉल आर इनर हो जाएगी, 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2.2 को करोगे 4.84 इसको करोगे 4 इसको करोगे 0.8 ये इसको काटोगे 0.12 इसको मल्टीप्लाई करोगे 5.28 टोटल सरफेस एरिया 5 इनर वाला आउटर वाला एजेस वाला इन तीनों को प्लस कर देंगे क्लियर। बहुत ध्यान से देखना वीडियो रोकते हुए आराम से एक एक स्टेप समझते हुए, जहाँ दिक्कत हो सुनना वीडियो को, देखना नहीं है सुनना भी है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, इट्स टेक 500 कंप्यूटर रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वेयर। क्या कहा गया है, रोलर है एक जिसका डायमीटर 84 है,
लेंथ 120 सेंटीमीटर है, वो एक प्लेग्राउंड को लेवल समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है और आपने उस प्लेग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना है। अब इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ हमने क्या निकालना है। हम रेगुलर क्लास में होते तो मैं तुम्हें पूछती कि इसमें क्या करेंगे, तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो ना मुझे, तो मैं तुम्हें खुद ही बता रही हूँ। रोड रोलर देखा होगा, अगर मैं तुम्हें इसकी पिक्चर दिखाऊँ तो पिक्चर से यह पता चल जाएगा कि इसमें ये देखो ये चल रहा है तो कौन सा पोर्शन इसका यूज़ हो रहा है। सिर्फ इसका ये कर्व सरफेस यूज़ हो रहा है, ये वाला यूज़ नहीं हो रहा, ये सर्कल कहीं यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। यानी सिर्फ उसका कर्व फेस यूज़ हो रहा है, यानी रोड रोलर का हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है। वो जो एरिया होगा वो एक राउंड का एरिया होगा, और कितने राउंड लगा रहा है वो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें रेडियस डायमीटर दिया गया हमें 84 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ये मीटर स्क्वायर में मांगा है एरिया, तो रेडियस 42 सेंटीमीटर होगी 2 से डिवाइड करके, लेंथ 120 सेंटीमीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, क्यों निकालते हैं बता दिया मैंने तुम्हें, 2πRh ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे 10,000, तो हम इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3.1680 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब ये क्या है, एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, और वो कितने रेवोल्यूशन लगा रहा है 500, तो एरिया कवर्ड बाय 500 रेवोल्यूशन, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये प्लेग्राउंड का एरिया है, क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.5 मीटर स्क्वायर। अब ये देखो, ये जैसे ये पिलर है ना, पिलर इस तरह से, ये इनकी लेंथ है कर्व सर्फेस एरिया, इनको पेंट करना है, इस ये पूरे पोर्शन को इसका कर्व सर्फेस एरिया को पेंट करना है, तो उसका हम कर्व सर्फेस निकालेंगे और कॉस्ट निकालेंगे। अब क्या गया है, डायमीटर क्या दिया गया है 50 सेंटीमीटर, रेडियस 25 सेंटीमीटर, अब हमें कॉस्ट मीटर स्क्वायर में दी गई है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, बाई 100 1/4 मीटर, हाइट 3.4, कर्व सर्फेस एरिया 2πRh कैलकुलेट कर लोगे, अब 1 मीटर स्क्वायर पर 12.50 है तो इस पर कितनी है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर, क्लियर। नेक्स्ट कर्व सर्फेस एरिया राइट सर्कल 4.4, रेडियस ऑफ बेस इज 0.157, फाइंड इट्स साइड्स, ये बहुत सिंपल है, दो नंबर का क्वेश्चन है ये, आपको कर्व सर्फेस एरिया दिया गया है यानी कि 2πRh, और साथ में आपको रेडियस दी गई है आर दिया गया, एच निकालना, एच क्या आ जाएगा 4.4 इंटू ये 7/22 और ये 1/2 हो जाएगा ये, तो एच इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7/1 ये भी आना, ये वाला यहाँ 1/7 आना, यहाँ 1/7 और आएगा, ये वाला रह गया यहाँ लिखना, ये यहाँ लिखना रह गया है, बता रही हूँ वीडियो में ही कहीं गलत उतार लो, ये एच यहाँ रह गया, ये 4.4, ये 7, ये 22, ये 1/2, यहाँ एक ये 1/7 आना था, 7 से 7 कट गया, इसका 10 उस 10 से कट जाएगा, 22 ये कट जाएगा तो 1 मीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर 10 मीटर डीप, इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग इट द कर्व सरफेस एरिया 40 पर मीटर स्क्वायर। अब पहले तो मैं वेल दिखाती हूँ, देखो क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया था, इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, इनर डायमीटर, अब देखो पहले तो ये वेल दिखाई दे रहा है, अब ये यहाँ से देखो मेरा कर्सर कहाँ है, ये बाहर, यहाँ से लेकर अगर मैं इसके बाहर तक यहाँ तक जाऊँ तो ये आउटर डायमीटर हो गया, और अगर अंदर के यहाँ से यहाँ अंदर तक आते हैं तो इनर डायमीटर, अब हमें इनर डायमीटर दिया हुआ है 3.5, ये अंदर का दिया हुआ है, और अंदर को ही उसने कहा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, अंदर हमने प्लास्टर करना है 1 मीटर स्क्वायर 40 रुपीज़ का, तो कितना खर्चा आएगा, तो क्या करते हैं ये देखो ये वेल है, डायमीटर 3.5 है तो रेडियस क्या आ जाएगी 1.75, हाइट कितनी है 10 मीटर, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2πRh, इनर, अब 1 मीटर स्क्वायर पर 40 है तो 110 पर मल्टीप्लाई, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ एंड नाइन्थ इम्पोर्टेंट,
In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 and diameter 5 cm. Find the total radiating surface in system. क्या कहा गया है? एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर. अब टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 22 बाय 7, एच इज 28, आर इज 0.025, एच इज, इसको प्लस करेंगे. अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, इसमें टोटल पूछा है. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझना. फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5. अब इसमें लेटरल और कर्व्ड कहा गया, लेकिन टैंक हमें क्लोज्ड कहा गया है, लेकिन क्लोज्ड कहा गया ना, है दिया हुआ है, लेकिन पूछा उसने लेटरल सरफेस से लिए. तो ये आपके पास हाइट है, ये डायमीटर है, डायमीटर की रेडियस 2.1, हाइट ये, तो कर्व्ड सरफेस से निकाल लोगे 2 पाई आर एच, ये कैलकुलेट करके 559.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, सेकंड पार्ट ध्यान से समझना है. हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक. अब उसने कहा उसको क्लोज है ना, उस क्लोज को बनाने में एक्चुअल कितनी स्टील यूज हुई, जबकि टोटल स्टील का 1/12 वेस्ट हो गया. ठीक है ना, तो क्या करते हैं, टोटल हमारे पास कितनी यूज़ हुई, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू एच प्लस आर, इतनी तो यूज़ होगी ना, टोटल हमने यूज़ कितनी की क्लोज बनाने में, ऊपर के फेस में, नीचे के फेस में और कर्व्ड में, यानी कि टोटल सरफेस एरिया. तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं पहले, ये 2πr एच प्लस आर, ये निकाल कर हमने निकाला 87.12. लेट एक्चुअल एरिया ऑफ यूज, मान लीजिए हमने x मीटर स्क्वायर यूज़ की, लेकिन उसका कितना वेस्ट हो गया 1/12, तो उस x में से x बाय 12 हम माइनस करते हैं, तो कितना एक्चुअल यूज़ कितना हुआ, 11/12 x. ये समझ रहे हो, एक्चुअल हमने ये यूज़ किया 87.12, लेकिन हमने एक्चुअल टोटल स्टील फिर हमने कितना लिया, टोटल स्टील वो हमने माना x, उसका 12th पार्ट वेस्ट हो गया, 11/12 यूज़ हो गया. तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पर यूज़ हुआ और ये हमने यूज़ किया, जो हमने सपोज किया, इसको कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू 87.12, 12 ऊपर 11 नीचे, इसको कैंसिल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर. ठीक है, 9. इन द एडजॉइनिंग फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, इट इज़ कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ. द फ्रेम हैज़ ए बेस ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर. ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्रेम. फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड. क्या कहा गया, एक लैम्प शेड है और उसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से ढके जाना है. द फ्रेम हैज़ ए बेस ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ये देखो इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, क्या कहा गया इसमें, एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, ये हाइट यहाँ से, ये लैम्प शेड है, ये वाला 30 सेंटीमीटर हाइट है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है. क्या कहा गया, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम. अब ये 2.5 ऊपर एक्स्ट्रा चाहिए, 2.5 नीचे एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्या कहा गया, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड. अब इसमें क्या कहा गया, देखो हाइट ऑफ ईच ऑफ द फोल्डिंग एट द टॉप एंड बॉटम 2.5, हाइट ऑफ फ्रेम 30 सेंटीमीटर, डायमीटर 20, रेडियस 10. नाउ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉप पार्ट, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2πrh, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2πrh, कैपिटल H मतलब 30 है, और इसमें 2πrh भी आ जाएगा. अब यहाँ से 2πr कॉमन, h प्लस h प्लस h, h प्लस 2h क्या आ जाएगा 35. इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 30 सेंटीमीटर हाइट ये है, 2.5 ये है, 2.5 ये है, तो टोटल हाइट क्या आ जाएगी 35, डायमीटर तो सबका सेम ही है, रेडियस ही है, तो हम 2πrh कर्व सरफेस एरिया इकट्ठा भी निकाल सकते हैं 2πrh को 35 लेकर. ठीक है, इसे अलग अलग पार्ट से समझाने की कोशिश की, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड 2πrh, h को आप लिख दोगे 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5,
35, बाकी वही है, क्लियर। द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल विद बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। क्या है, एक स्कूल में कंपटीशन था और बच्चों को कहा गया कि पेन स्टैंड बनाओ जिसका बेस सिलेंड्रिकल हो, कार्डबोर्ड से बनाना है, और ईच पेन होल्डर वॉज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 10.5। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कंपिटेटर्स विद कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड सप्लाई किया गया। देयर वर इफ देयर वर 35 कंपिटेटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपिटिशन। अगर कंपिटेटर 35 थे तो कंपटीशन की कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड था। अब पेन होल्डर तो आपने देखे ही हुए कैसे होते हैं, ये इसका नीचे बेस सर्कुलर, ये हाइट 10.5 दी हुई है, और रेडियस कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, अब इसमें हमने क्या निकालना है, पेन होल्डर का सरफेस एरिया और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ऊपर से तो खुला होता है, देखो ये देखो ऊपर से खुला हुआ है, तो सिर्फ नीचे कार्डबोर्ड लगा है और यहाँ कार्ड पर लगा है, तो हमें क्या निकालना है, 2πrh + πr², πr कॉमन, 2h + r, 22/7, r 3 है, 2h 2 × 10.5 + 3, इसको हम कर देंगे, यह आ जाएगा 226.28। तो अब एक पेन होल्डर कीजिए तो 35 कीजिए, आप इसको ना भी कैलकुलेट करो, 22/7 ही रहने दो, डायरेक्ट 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी निकल आएगा 7920, डायरेक्ट आंसर आ जाता है 79.8 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख दिया 7920। अगर 22/7 डायरेक्ट लिखते हो तो पूरा डायरेक्ट यही का यही आ जाता है, ठीक है। आपने अब ये कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज, आपको लग रहा होगा एक ही दिन में 11 क्वेश्चन हो गए हैं, आपने अभी एक दिन आपको मिलता है बीच में, तो आपने वीडियो आपके पास है, आप 4 क्वेश्चन एक दिन में करिए, 5 करिए, लेकिन समझते हुए, जहाँ समझ में ना आए वीडियो दोबारा देखो, सुनो दोबारा उसको ध्यान से, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो अगर आपको सरफेस एरिया अच्छे से समझ में आएगा तभी वो होगा, और मैंने एक एक सॉलिड को उठाया ताकि आपका बेस अच्छे तरह से बन जाए, इसको अच्छे से करना है, लाइक करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना है, ठीक है, और मेरी पिछली वीडियो भी ऊपर है तो आपने वो भी देखनी है, ठीक है, ओके, बाय बाय।